जय हिंद दोस्तों। दोस्तों कल हम सभी का महान पर्व दशहरा है। दशहरे पर आप अपने मित्रों को विश करते होगे, अपने सगे संबंधियों को विश करते होगे, तो कुछ लोग मैसेज लिखते हैं, कोई फोटो भेजता है। तो दोस्तों ये चलन पुराना हो गया। अब मैं आपको एक नया तरीका बताने जा रहा हूँ जिसमें है स्टिकर। प्यारे प्यारे से भगवान श्री राम के स्टिकर आप अपने मित्रों को भेजिए, वो भी देखकर खुश हो जाएगा। स्टिकर होते ही ऐसे हैं, और इन्हें भेजने में आपको कुछ भी नहीं करना है, यानी कि लिखना है या किसी का कॉपी पेस्ट करना या फॉरवर्ड करना। आप किसी का फॉरवर्डिंग मैसेज फॉरवर्ड करते हो तो अगला समझ जाता है यार दूसरे से आया था, मुझे आगे धकेल दिया। नहीं दोस्तों, स्टिकर में कभी फॉरवर्डिंग नहीं आएगा क्योंकि ये फ्रेश मटेरियल होगा। तो दोस्तों देर ना करते गूगल प्ले स्टोर पर चलते हैं, वहां से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं और फिर आपको दिखलाते हैं कि कैसे मैसेज भेजे जाते हैं। तो दोस्तों गूगल प्ले स्टोर खोल लिया है और इसमें यहाँ लिखते हैं दशहरा स्टिकर फॉर व्हाट्सएप। जैसे आप लिखते हो देखो ये आ गया। अब ये पहले वाला आप इसे हम इंस्टॉल कर लेते हैं। तो दोस्तों इंस्टॉल होने के बाद ये ओपन होगा। अब हम जाते हैं इसके स्टिकर पर है। तो दोस्तों ये कितने प्यारे स्टिकर है। अब इन प्यारे प्यारे स्टिकर को व्हाट्सएप में ऐड कर लेते हैं। तो अब ऐड बटन दबा देते हैं और ये व्हाट्सएप में ऐड हो गए। अब हमें भेजना है मैसेज किसी एक को। अब हम जाते हैं व्हाट्सएप पे जहाँ पर कि हमने ये स्टिकर ऐड किए थे। तो दोस्तों मैंने रमेश कुमार जी को व्हाट्सएप स्टिकर भेज रहा हूँ, इन्हें दशहरे की विश कर रहा हूँ एक दिन पहले। आप चाहो तो इस एप्लीकेशन को आज ही डाउनलोड कर आज ही ये स्टिकर भेजकर उन्हें विश कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने रमेश कुमार जी को सेलेक्ट करता हूँ और इन पर ये स्टिकर पर क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों देखो कितनी आसानी से स्टिकर उनके पास पहुँच गया, मुझे सेंड वगैरह का बटन नहीं दबाना पड़ा, ये अपने आप ही जाता है। बस आप क्लिक मारते जाइए और ये स्टिकर इन पर जाते रहेंगे, वो देखने वाला भी खुश हो जाएगा, कुछ नया है ये। तो दोस्तों आपको ये एप्लीकेशन कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर अपने दोस्तों को अभी से स्टिकर भेजना शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।